ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीवन के विघ्नों के पीछे कुछ कल्याण छिपा रहता है। एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग हम लोग उसको मिलने के लिए गए थे। जब मिलने के लिए गए थे तो उसको कहा कि भाई फ्रैक्चर हुआ था उसका, पाँव का फ्रैक्चर। कहा कि कोई बात नहीं, भगवान ने फिर भी बचाया। भगवान का नाम लेते हुए गाली देना शुरू किया, कहते हैं भगवान फिर इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा ही है ये, वो बोलने लगा। तो उसके पत्नी को पूछा गया, ये भगवान को गाली क्यों दे रहे? तो पत्नी ने कहा, ये लायंस क्लब के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने समाज की सेवा बहुत की, समाज में अच्छा अच्छा काम किया, अब इसके कारण अब उनको सम्मानित करने वाले थे समाज, लायंस क्लब में उनको सम्मान होने वाला था क्योंकि समाज की सेवा ज्यादा की है। फिर उनका रिटायरमेंट भी है अभी, और उसके कारण इनको अभी लंदन में उनके लायंस क्लब के सारे लोग जाने वाले हैं। 15 दिन के बाद जाने वाले थे, उनका सम्मान भी था और साथ में रिटायरमेंट भी थी, सारे लोग जाने वाले थे। इतने में इनका फ्रैक्चर हो गया, इसीलिए भगवान के प्रति उनको गुस्सा आया। जब मैंने सेवा की तब कुछ नहीं हुआ, और उसका फल लेने का टाइम आया तब तो फ्रैक्चर हो गया। तो कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर वही व्यक्ति को मिले 2 महीने के बाद, फिर गए, फिर पूछा कि कैसे तबियत आई। कहता हाँ भगवान के दया से मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान का धन्यवाद। पहले तो भगवान को गाली दे रहे हैं, और दोबारा फिर उनके पत्नी को पूछा अभी क्या बात है, भगवान भगवान बोल रहे हैं। कहा कि जिस प्लेन से उनको लंदन जाना था वो प्लेन क्रैश हो गया, उसमें से कुछ लोग तो मर भी गए, अगर ये भी जाते वो भी उसमें चपेट में आते, इसलिए उनको फ्रैक्चर हुआ, उनके लिए खुशी हो गई। देखो उन्होंने अच्छा काम किया था बच के, इसलिए भगवान जो करता है सब अच्छा ही करता है।